सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, ये जरूरी सूचना और अपडेट उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने साल 2022 में उत्तराखंड की हेमवती नंदन भगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए बी फार्मा के सेकेंड ईयर लेटरल को लेटरल एंट्री के थ्रू जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि उन बच्चों की भी जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। बिल्कुल आज ही उन्होंने रिलीज की है। और अब जो मेरिट लिस्ट आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो बच्चों आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चे आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी यूजी या पीजी कोर्स करें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उससे रिलेटेड कोई अपडेट और सटीक जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। दूसरी बात ये कहना है कि बच्चों देखिए, 20 से लेकर और 31 तारीख तक मैं जा रही हूँ घर दिवाली की छुट्टी में, और वहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं होगा। तो आप अपनी जो आने वाली जो मेरिट लिस्ट है वो खुद ही चेक कर लेना एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। मैं 20 से लेकर और 31 तारीख तक बिजी रहूंगी। मैं केवल शॉर्ट्स वीडियो बना के है और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको अपडेट दे दूंगी, लेकिन इसमें नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चाहे तो ज्वाइन कर लेना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ठीक है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। अब चलिए बच्चों, अब आपको करना क्या है, देखिए जिन बच्चों का लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में हुआ है, सबसे पहले तो देखिए 17 से लेकर और 20 तारीख तक आपको अपनी फीस जमा करनी है, वो करनी है समर्थ के पोर्टल पे, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना। उसके बाद जो उन्होंने बोला है, जैसे कि वहां पे भी दिवाली की छुट्टी पड़ जाएंगी श्रीनगर में, तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो 31 नवंबर, इसमें लिखा हुआ है, मुझे 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 लग रहा है उन्होंने शायद मिसप्रिंट कर दिया है। नवंबर नहीं होना चाहिए, अक्टूबर तक होना चाहिए। भाई नवंबर तक अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो पढ़ाई कब करोगे आप। उन्होंने लिखा है 31/11/2022, आई डोंट, ये शायद गलत हो सकता है। तो आप ऐसे करना कि अपने डॉक्यूमेंट, मैं एक बार यूनिवर्सिटी में भी चेक कर लूंगी कि क्या इन्होंने सही डेट डाली है या नहीं डाली। फिलहाल के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए और कोशिश करिए कि 31 तारीख तक आप इसे सबमिट कर दें, ठीक है। डॉक्यूमेंट वही जो मैंने आपको बताया था, 3 प्रिंटेड कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है। आपका एडमिशन फॉर्म होना चाहिए, जो फीस सबमिट करोगे वो होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, सीयूटी का स्कोर कार्ड आपका होने पास होना चाहिए, टीसी आपके पास होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, ST SC OBC का अगर कोई सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, और वो सेंट्रल का इशू होना चाहिए। टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन मांगा हुआ है, और जो बच्चे जिनका कोई गैप है उनका एफिडेविट इत्यादि बना के लेके जाना है। इसके अतिरिक्त जो है एंटी रैगिंग एफिडेविट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, वो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, और जिन बच्चों को एडमिशन फॉर्म भी नहीं मिल रहा है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बच्चों इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ना अभी मैं 20 दिन तक आप लोगों के साथ अवेलेबल नहीं रहूंगी क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। तो आप, मैं टेलीग्राम में तो क्या होता है ना, व्हाट्सअप जैसे ही उसमें मैं अपडेट आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी थी। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, फोटोग्राफ भी रेडी कर लीजिए, आधार कार्ड, और इसको ये सब होने चाहिए आपके सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप स्वयं अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापित करें। तो उसमें आप क्या करेंगे, सेल्फ लिखेंगे, अटेस्टेड लिखेंगे, और ATTESTED सिग्नेचर करेंगे और डेट डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट को स्वयं सत्यापित कर दिया। बाकी और कोई खास जानकारी इसमें नहीं है। बाकी जो इसका मैंने आप लोगों को एक बार हेल्पलाइन नंबर शेयर किया था ना, ये जो बी फार्मा वाले, उनको आप एक बार फोन कर लेना कि आपने 31 नवंबर की जो डेट डाली है वो सही डाली है, 31 नवंबर है या 31 अक्टूबर है, ये उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बच्चे आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करे वो मुझे सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। नहीं तो इधर उधर भटकोगे तो गलत सलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।